Hi guys, welcome to your 39th Java tutorial in Hindi by TechnoSesh. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जेनेरिक्स. जेनेरिक्स मतलब पैरामीटराइज्ड टाइप्स. इसका हिंदी अर्थ मुझे मिला है सामान्यता या सामान्य प्रकार. अब लिटरल हिंदी अर्थ के बारे में हम ज़्यादा दिमाग नहीं पकाते हैं और हम उसको एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. अब हमें एक मेथड या कंस्ट्रक्टर बनानी है जो कोई भी डेटा टाइप का वेरिएबल ले और हमें एक अपना रिजल्ट प्रिंट कराए. मैं रिपीट करता हूँ, हमें एक मेथड या कंस्ट्रक्टर बनानी है जो कोई भी डेटा टाइप का वेरिएबल ले और हमें अपना रिजल्ट प्रिंट कराए. अब इस प्रोग्राम में मैं दो क्लास बनाता हूँ. पहला क्लास तो बन गया है यहाँ पे एग्जाम्पल 11, जिसके अंदर हमारा मेन मेथड होगा. और दूसरा क्लास मैं बनाता हूँ, क्लास क्या नाम रखूँ इसके लिए, मैं वर्क लिखते हैं या फिर इसको मैं प्रिंटर लिखता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है एक लेसर देन सिंबल और उसके बाद मैंने लिखा एक ग्रेटर देन सिंबल. इसके बीच में मैं एक कैपिटल टी लिखता हूँ और ये बन गया है मेरा एक जेनेरिक क्लास. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफाई कर रहा हूँ. मैं ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं एक अननोन डेटा टाइप को यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है. मतलब ये प्रिंटर नाम का क्लास एक ऐसे डेटा टाइप ले सकता है जो कुछ भी हो सकता है. ये टी मैं शायद इसको स्ट्रिंग की तरह यूज कर सकता हूं या फिर मैं इसको एक इंटीजर की तरह यूज कर सकता हूं. मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं इसके साथ. देखिए मैं इसको कैसे करता हूं. अब मैं इस प्रिंटर का एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, प्रिंटर, और लेता हूँ मैं इसके अंदर एक टाइप टी और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करूँगा पैराम. ठीक है, और आगे जाके मैं इसके इसको एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन स्टेटमेंट यूज करके पैराम को प्रिंट करता हूँ. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे एक टी नाम का एक डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया है जो कुछ भी हो सकता है, आगे जाके मैंने इस प्रिंटर का प्रिंटर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ पे जो उस अननोन डेटा टाइप का एक पैरामीटर लेता है पैराम, जिसको मैं आगे जाके यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ. ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने मेन क्लास के अंदर जहाँ पे प्रिंटर का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया. और मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास किया, हेलो वर्ल्ड. अब इसलिए मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास किया है, मैं यहां पर स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मैंने एक स्ट्रिंग पास किया है. और इसलिए क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया है इसको, उसको मैं राइट हैंड साइड पे भी करता हूं. ठीक है, अब ये डेटा टाइप जो इसके अंदर मेंशन हुआ है वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा. और क्योंकि ये रिप्लेस हो चुका है यहां पे, ये कंस्ट्रक्टर इसको समझ में आएगा. सॉरी, मैं गला थोड़ा सा अटक गया था. कंस्ट्रक्टर को ये समझ में आएगा क्योंकि ये टी अब जो है स्ट्रिंग टाइप का बन गया, इसलिए ये भी ये पैरामीटर जो इसके अंदर पास होगा जो वो यहां से लेगा वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा और आगे जाके इसको प्रिंट करेगा. ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूं और आगे इसको चला के देखता हूं कंपाइल करके. तो जावा सी एग्जाम्पल 11.java, देखो तो कोई एरर नहीं, जावा एग्जाम्पल 11
और देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। अब मैं इसके अंदर डालता हूँ 10 और देखते हैं क्या होता है। पर क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है इसलिए मैं इंटीजर क्लास का नाम यहां पे लिखता हूं, और मैं इसको चला के देखता हूं। पहले कंपाइल किया और उसके बाद रन किया तो यहां पे आ गया है मेरा 10। ठीक है, अब शायद आपको जेनेरिक्स के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं अपना डाउट, सो मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ऊपर सब्सक्राइब की बटन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और मेरा पूरा वीडियो का सीरीज़ कंटिन्यूसली देखते रह सकते हैं। ठीक है, आगे मैं जेनेरिक्स का और भी एग्जाम्पल्स बताऊँगा और भी कॉम्प्लेक्स टाइप्स का जेनरिक्स एग्जाम्पल बताऊंगा, और आशा होगी कि आप होंगे मेरे साथ उसको समझने के लिए। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।